जय जोहार, आप मन देखत हो आईबीसी 24 मैदानी के छत्तीसगढ़ी बुलेटिन। शुरुआत करथन पहली खबर ले। आज रधिया यानी 29 जुलाई ले प्रदेश के कई ठीन प्लांट संचालक मन अपन कारखाना ला बंद करे के तैयारी में लगे है। ये मामला मा उप मुख्यमंत्री अरुण साव के बड़े बयान आ गुआ है। उद्योग मन मा तालाबंदी के बारे मा मीडिया ले गोटबात करत अरुण साव ह कहिन कि सरकार ह उद्योग मन ला हर तरह ले सुविधा देवाए बर कटिबद्ध है। हमन उद्योगपति मन ले गोटबात करके समस्या के समाधान करबो। सबो जानत है कि आन राज्य के तुलना मा छत्तीसगढ़ मा का रेट है। कांग्रेस पार्टी ह अनावश्यक रूप ले बिजली ला मुद्दा बनावत है। बिजली के दर मा बढ़ोतरी ला लेके कांग्रेस के आंदोलन के संबंध मा ओमन कहिन कि 5 साल मा कांग्रेस पार्टी ह प्रदेश के दुर्दशा करे है। कांग्रेस ह छत्तीसगढ़ की व्यवस्था ला ध्वस्त कर दिन। राज्य व्यवस्थित तरीका ले आगू बढ़त है, फिर जनहित मा काम होय मा कांग्रेस ला पसंद नहीं है। देश और प्रदेश आगू बढ़त है त कांग्रेस ह भ्रम फैलावत है। दूसर कोती खबर आवत है कि छत्तीसगढ़ में 29 जुलाई 2024 ले 200 कारखाना बंद हो जाए। बिजली दर में 25% के बढ़ोतरी के विरोध में उद्योगपति मन ह मोर्चा खोले के फैसला ले है। बात करथन दूसर खबर की। मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के 17 ठीन जिला मन में भारी वर्षा होगी। 17 ठीन जिला में येलो अलर्ट जारी करे गए है, जहाँ भारी वर्षा हो सकते। अवैया 2 दिन में सरगुजा और बस्तर संभाग के 1-2 जिला में भारी वर्षा होए की संभावना है। सरलग हुआ वर्षा ले छत्तीसगढ़ के नदिया, बांध और तालाब मन में जल स्तर बढ़े है। मौसम विभाग हा भारी वर्षा के अलर्ट जारी करे है। छत्तीसगढ़ में 1 जून 2024 ले राज्य में 541.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज करे गए। बात करथन तीसर खबर के। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पहल ले जसपुर जिला के बगीचा ब्लॉक मा अपेक्स बैंक के शाखा के जल्दी शुभारंभ होवैया है। रायपुर स्थित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हा बगीचा मा अपेक्स बैंक के शाखा शुरू करे के अनुमति दे दे है। अब किसान मन एक खबर ले खुश है कि बगीचा मा जल्दी अपेक्स बैंक के कामकाज शुरू हो जाही। ए बैंक के शुरू होए ले बगीचा ब्लॉक के हजारों किसान मन ला अपन खेती किसानी के काम बर बड़का सुविधा मिली। ए बैंक मा जमा राशि निकाले बर किसान मन ला 100 किलोमीटर के दूरी तय करना पड़थे। एकर बर दुरिया जिला मुख्यालय जसपुर तक जाए बर पड़थे। ए काम मा कभू कभू 2 दिन लग जाते और एकर ले दुगुना नुकसान उठाना पड़थे। फिर अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पहल ले किसान मन ला अपन सहकारिता के काम मा बड़े राहत मिली। बगीचा मा अपेक्स बैंक के शाखा खुले ले किसान मन ला ए लंबा दूरी के दौर ले राहत मिली। बात करथन चौथा खबर के। बस्तर मा पुलिस हाई अलर्ट मोड में है। ऑपरेशन ले परेशान नक्सली मन एक बड़का घटना अंजाम दे सकते। इस संबंध मा पुलिस ह सबो थाना और चौकी मा अलर्ट जारी करे है। 28 जुलाई ले 3 अगस्त तक नक्सली शहीद सप्ताह मनावत है। ए बखत पहली बार नक्सली मन के अलग अलग संगठन मा अलग अलग गतिविधि संचालित करे के भी खबर मिले है। ए दौरान नक्सली संगठन मा अक्सर नवा युवा मन के भर्ती करे जाते। बारसूर एरिया कमेटी डहाले हाल ही मा शहीद सप्ताह ला फाइटर सप्ताह के रूप मा मनाए बर पर्चा लगाए गिस। पुलिस हा यहाँ बैनर पोस्टर घलो बरामद करे है। संगे संग कई ठीन नक्सली स्मारक मन ला ध्वस्त घलो करे है। हालांकि ये दौरान नक्सली संवेदनशील क्षेत्र के बाजार मन मा भारी व्यापारी मन के अवई जवई बंद रथे। बात करथन अंतिम खबर के। कांग्रेस के पूर्व विधायक मन ह सीएम साय ले भेंट करके सुरक्षा के मांग करीन। ए मामला मा पूर्व मंत्री शिव डहरिया के बयान आगुआ है कि इनकी जनप्रतिनिधि मन के रक्षा करना सरकार के जिम्मेदारी हरे। कई बार सुरक्षा वापिस लेके सेती अप्रिय घटना होते। देश और प्रदेश मा कई ठीन घटना हो चुके है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया आगू कहिन कि कांग्रेस सरकार मा सब झल्ला सुरक्षा दे गए रहिन। आज के बुलेटिन मा अतका ही। जय जोहार।